एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ललिताज इंग्लिश क्लासेस एंड आई एम ललिता धाकड़। आज हम रूट वर्ड्स और बहुत सारे देखेंगे। इसके पहले भी एक वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे रूट वर्ड्स बताए थे, उनकी हिंदी बताई थी और ये कहा था कि आप नोटबुक में नोट करके और उन्हें लर्न करके रखें, ताकि जब बाद वाले वीडियो में हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे, एक एक रूट वर्ड को लेंगे और फिर उससे बनने वाले शब्दों को देखेंगे। तो आइए आज भी हम कुछ और रूट वर्ड्स देखते हैं, उनको भी आप नोट करें अपनी नोटबुक में और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ताकि सारे के सारे जो रूट वर्ड्स हैं वो आपके समझ में आ जाए। तो सबसे पहला रूट वर्ड आज हम लेते हैं, जो है साइड, CIDE, साइड। इसका मतलब होता है, ये कहीं ना कहीं आपको जब भी किसी वर्ड में दिखाई दे तो इसका जो अर्थ होगा हिंदी में वो आप लगाएंगे हत्या से संबंधित, किसी के मर्डर से संबंधित, किलिंग से संबंधित, ठीक है, हत्या, साइड। आपको अभी यही याद करना है, ज़्यादा डिटेल नहीं करना है अभी। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है AQUA, एक्वा। इसका मतलब होता है पानी। अब आप कहेंगे कि पानी का मतलब तो वाटर लिखते हैं हम सभी, वो है, वो नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड है, ये रूट वर्ड्स हैं और इन्हीं से शब्द बनते हैं। जैसे आपने एक्वागार्ड सुना होगा, पानी का डॉक्टर, एक्वागार्ड, और एक्वेरियम जिसमें मछली घर जिसको कहते हैं, मछलियाँ रहती है, तो इसी से शब्द बने हैं, वाटर से शब्द नहीं बने। तो आप आज से याद करें एक्वा मतलब पानी। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है MAL, मेल। मेल का मतलब होता है बुरा। जहाँ भी ये लगेगा वहाँ जो वर्ड होगा वो कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाएगा, बुरे से संबंधित। BEN, बैन, या फिर BENE, बैने, दोनों शब्द यूज़ किए जाते हैं कुछ शब्दों को मिलाकर, तो इसका मतलब होता है अच्छा, ठीक है, अच्छा या अच्छे से संबंधित। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं PHOBIA, फोबिया। इसका मतलब होता है डर। ये जिस भी शब्द के आगे लगेगा या बीच में कहीं भी लगेगा वहाँ मतलब क्या निकालेगा, डर निकालेगा, डर से संबंधित। बहुत सारे फोबिया होते हैं लोगों को, किसी को पानी का फोबिया होता है, किसी को आग का होता है, बहुत सारे, तो आपको ये शब्द बहुत ज़्यादा वहाँ हेल्प करेगा। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं BIO, आपने सब्जेक्ट भी पढ़ा होगा बायो, तो ये बायो जो है उसका मतलब होता है जीवन, लाइफ से रिलेटेड। बायो जो हम सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं उसमें भी हम जीव विज्ञान बोलते हैं, जीव मतलब जीवन, लाइफ के बारे में स्टडी होती है पूरी पूरी, तो जहाँ भी ये शब्द होगा वहाँ रिलेट हम करेंगे जीवन से या लाइफ से। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मेघा, MEGA, मेघा। इसका मतलब होता है बहुत बड़ा, आपने सुना होगा मेघा स्टार, है ना, मेघा स्टार, तो ये शब्द आपको वहाँ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एक शब्द बताया अभी मैंने, बहुत सारे शब्दों का निर्माण इस वर्ड से हो जाएगा, तो आप अभी याद कर लें बहुत बड़ा। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं जो मेघा का जस्ट अपोजिट है, माइक्रो। इसका मतलब होता है बहुत छोटा, या इसको हम सूक्ष्म भी बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, ठीक है, बहुत छोटा या सूक्ष्म। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ओमनी। ओमनी का मतलब होता है सभी, ऑल जिसको आप कहते हो, बहुत सारे शब्दों का निर्माण होता है, सभी या सब बोल सकते हैं, पर एक से ही काम चल जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है जिसको आप टेली पढ़ते होंगे, टेली नहीं है, इसको क्या पढ़े, टेले, टेले। इसका मतलब होता है दूर। ये शब्द जहाँ भी आपको दिखे किसी वर्ड में लगा हुआ तो उसका मतलब निकलेगा दूर, जैसे टेलीविज़न, टेले मतलब दूर, विज मतलब होता है देखना, हमारा रूट भी है लास्ट वाला, तो दूर का हम देखते हैं टेलीविज़न में, तो इसलिए हम बोलते हैं टेलीविज़न, ठीक है, तो टेले मतलब दूर। नेक्स्ट वर्ड है फ़ोन। अब आप सोच रहे होंगे वो फ़ोन की बात कर रहे होंगे, मैम मैं उस फ़ोन की बात नहीं कर रही हूँ, रूट वर्ड्स की बात कर रही हूँ। फ़ोन का मतलब होता है आवाज़, साउंड, तो आवाज़ को क्या कहते हैं हम, फ़ोन, रूट वर्ड्स में, ठीक है, नॉर्मल इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं उससे यहाँ कोई मतलब नहीं है। MB, MB का मतलब होता है दोनों, दोनों, ठीक है, इसके और भी बहुत सारे शब्द हैं, मैं बताऊँगी आपको बाद में। नेक्स्ट वर्ड है GRAPH, ग्राफ या ग्राम। वो ग्राफ नहीं है जो आपको मैथ्स में मिलते हैं, यहाँ ग्राफ का मतलब होता है या ग्राम का मतलब होता है लिखना,
जब हम शब्द बनाएंगे एक एक रूट वर्ड को लेकर डिटेल स्टडी में जब आपको करवाऊंगी तब आपको मज़ा आएगा। अरे हमने शब्द याद कर लिए थे रूट वर्ड्स, तो अब हमें वर्ड लर्न करने की ज़रूरत है ही नहीं, चुटकी बजाते से ही शब्द याद हो जाएंगे। विज, विज मतलब मैंने आपको बताया था अभी टेलीविज़न का एक देखे एग्जाम्पल, तो विज मतलब होता है देखना। जब दो रूट वर्ड आपस में मिल जाएंगे तो नए शब्द का निर्माण करते हैं और फिर हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो आप सभी इस जितने भी इन सभी रूट वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं उनका आप पहले लिख लें अच्छे से, फिर लर्न करने की कोशिश करें, पहले वाले भी लर्न करें, अभी के भी करें, और फिर उसके बाद हम जब वीडियो बनाएंगे तब आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि बच्चों को इस वोकैबुलरी की टेक्निक के बारे में पता चल सके। थैंक यू सो मच।